नमस्कार मित्रों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका इस आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं आप सबको सिर्फ 30 दिन में बांसुरी का कोर्स करवा रहा हूं, और उसी कड़ी में अब तक का ये सबसे जो इम्पोर्टेंट लेसन है वो आज मैं आप सबको देने जा रहा हूं। और यही जो मैंने आप सबको जो अभी तक 40-50 वीडियोज़ के माध्यम से जितना कुछ भी समझाया है, वो अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि जो चीज़ें मैंने पहले आपको समझाई थी वो अब उसका यूज कैसे करेंगे आप। अब उसके यूज करने की बारी है कि कैसे आप उस सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, ये अगर मुझे गमक आ गया तो इससे क्या होगा। कई लोग पूछते हैं कि चलो, मींड का तो सबको पता ही है कि मिठास आएगी, लेकिन कई लोग पूछते हैं कि सर जी, राग क्यों करवा रहे हैं आप? राग अभी यहाँ पर तो हमारे इतने राग नहीं हुए हैं, अभी आपको मैंने सिर्फ 2-4 राग सिखाए हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में हमारे बहुत सारे राग कंप्लीट हो चुके हैं। और लोग पूछते हैं कि सर, आप हमें इतना राग क्यों सिखाते हैं, या आप हमें डायरेक्ट बांसुरी बजाना क्यों नहीं सिखाते? तो उसी बात का जवाब देने के लिए मैं आप सबको ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो एक ये भी है कि कोई भी सॉन्ग, किसी भी सॉन्ग को बांसुरी में बिना नोटेशन के कैसे बजाएंगे, है ना। तो उससे पहले विशेष सूचना यही है कि अगर किसी को मुझसे पर्सनली क्लास लेनी हो तो बहुत ही मामूली फीस में मैं अभी तक हज़ारों लोगों को ये शिक्षा उपलब्ध करवा रहा हूँ, और बहुत से लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। जिनको 2-2 साल में सरगम बजाना नहीं आया, वो एक एक दिन में सरगम सीख करके और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। तो अगर आप भी इच्छुक हो तो आप भी सीख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम कि राग का क्या काम होता है किसी भी सॉन्ग को, मतलब कि प्ले करने में। अब मैं आपको एक तो उदाहरण दूंगा कि कैसे हम किसी भी सॉन्ग को सिर्फ उसके सुनने से ही बिना नोटेशन के उसको बजा सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी सॉन्ग सुनते हैं, इसमें मैं ज़्यादा राग नहीं लूँगा, मैं बहुत सरल सरल राग आपको बताऊँगा कि जिनका मैंने आप सबको अध्ययन भी करवा रखा है। तो जैसे हम बात करते हैं भोपाली की, अब आपने किसी भी सॉन्ग को सुना, जैसे मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ कि पंख होते तो उड़ आती रे। अब आपने इस सॉन्ग को पहले देखना है, जैसे आप इसको सीखना चाहते हैं तो इस सॉन्ग को आपने देखना है, पहले गूगल में जाके सर्च मारना है कि ये सॉन्ग किस राग में है। अब जैसे ये है राग भोपाली में, तो भोपाली में आपने देखना है कि कौन कौन से स्वर लगते हैं, उसमें सारे गा पा धा सा लगते हैं। तो अब 100% है कि जो सारे गा पा धा सा स्वर हैं, वही स्वर, वही 5 स्वर ये इस सॉन्ग, ये जो ये गाना है इसमें भी बजे होंगे। तो अब आपने जैसे देखा कि सारे गा पा धा सा वहाँ बजे हैं भोपाली राग में, और ये गाना भी भोपाली राग में ही है, तो भोपाली राग में जितने भी सॉन्ग बजेंगे उनमें सारे गा पा धा सा ही बजेगा। और सारे गा पा धा सा आपको बजाना आता है क्योंकि ये मैंने सिखाया है आपको, सारे गा पा धा सा ये आपने भोपाली राग में सीखा था कि कैसे भोपाली राग बजता है। तो आपने सिर्फ आरोह और अवरोह की प्रैक्टिस करनी है बहुत बार। अब जब आपको पता लग गया कि आपके हाथ सही से इस राग में आ रहे हैं, तो अब 100% होगा कि वो गाना सिर्फ इन 5 स्वरों में ही बजेगा। तो जैसे पंख होते तो उड़ाती रे, अब आपने पहले स्केल चेक करना है कि कौन से स्केल की ये बांसुरी है। अब ये किया आपने, अब आपने सरगम की प्रैक्टिस करनी है पहले, ऊपर से और ऊपर तक, माने कि नीचे से और सबसे ऊपर तक। जैसे यह है पा धा सा रे गा पा धा सा रे गा, है ना। या आप सा से ही शुरू कीजिए, सा रे गा पा धा सा, ये सिंपल है, सिंपल, इसमें कुछ भी मैंने जोड़ा नहीं है, है ना। तो आपने सिंपल इसकी प्रैक्टिस की और अब आपको पता लग गया कि सा रे गा पा धा सा ही इसके मूल स्वर हैं, तो अब 100% होगा कि वो सॉन्ग इसी में बजेगा, क्योंकि उसका राग आपने गूगल में सर्च किया है कि कौन से राग का है, तो आपको पता लगा कि ये भोपाली राग का है, पंख होते तो उड़ाती रे। तो फिर आपने भोपाली राग की प्रैक्टिस की हुई है, तो अब वो आप सॉन्ग बजाएंगे तो कैसा बजेगा।
ये सारे सारे गापा धासा पे ही सारी कहानी चल रही है। इसमें नी नहीं आएगा, हमेशा धा ही आएगा, इसमें माँ नहीं आएगा क्योंकि इस राग में लगता नहीं है। तो अब आप कंफर्म हो जाए कि बस आपको 5 स्वरों पर आपने प्रैक्टिस करनी है और आपको राग पता लग जाएगा। आपने उसको ऑब्जर्व करना है, जैसे पंख पंख अब कहाँ पे आ रहा है, और इन 5 स्वरों में से ही किसी एक स्वर पर आ रहा होगा। तो आपने देखना है पंख नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर पंख, तो आपको पता लग गया कि इन 5 स्वरों में से यहाँ पर ये पंख आ रहा है। होते तो आपको पता लग रहा है कि भाई कहाँ पर ये, आपने बार बार इसको सुनना है, ये एक ही दिन में नहीं आएगा। इसके लिए आपको पहले बहुत सारी सरगमों की प्रैक्टिस करनी होगी, अलंकार, पलटा, थाट, बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी, फिर आपको तुरंत सुन करके ही पता लग जाएगा कि होते तो। अब सरगम देखनी है आपने, आपको पता है कि सिर्फ सारे गा पा धा सा में ही एक स्वर है वो। होते तो नहीं, सही, तो ये आपने देखना है, सही है। उड़ आती रे, उड़ ये सब वही चल रहा है जो राग भोपाली में चलते हैं। रसिया ओ ओ, नहीं आ रहा, ओ यहां पर आ गया। रसिया ओ बाले मां, आपने इसको मैच करना है। सिर्फ आपको राग का पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से स्वर प्रयोग होते हैं। अब इसमें ही, अब इसको ही आप कितने प्रकार से बजा सकते हैं, जैसे सिर्फ कहीं पर धा है, अब जो मैं ये सॉन्ग बजा रहा हूँ, इसमें जो मैंने आपको सिखाया है, बहुत सारे लेसन मैंने फ्री में दिए हैं और कुछ लेसन हमारे जो अलग से हैं वो हमारी ऑनलाइन क्लास में हैं। तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे हमने स्वरों में मीण का प्रयोग करना है। तो इसमें आप मीण ले सकते हैं, गमक ले सकते हैं, जैसे ये सिंपल है, मीण में लिया, खटका में लिया, है ना, मुर्की में लिया, अभी गमक में लिया, तो ये आपने तब इसको सजाना है, गमक से, मीण से, मुर्की से, इनको सजाना है। अब जैसे ही मैं इसका, जैसे ये तो मैंने एक राग की बात की, अब मैं राग जैसे शिवरंजन की बात करता हूँ, उसमें भी सारे गा पा धा सा ही लगता है, लेकिन उसमें सिर्फ गा कोमल हो जाएगा, गा शुद्ध की जगह गा कोमल हो जाएगा। तो अब जैसे जैसे हाँ, जैसे उसमें आप हीरोटोन बजाते हैं, जैसे इस प्रकार से जो उसमें आप बजाते हैं, तो हमेशा गाने में कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल जो राग के नोट हैं वही उसमें नियम हुए हों, कभी कभार हल्का फुल्का ऊपर नीचे नोट हो जाते हैं, तो वो गाने की जो मेलोडी है उसको और इन्हांस करने के लिए होते हैं, है ना। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी गाना पर्टिकुलर एक ही राग का भी नहीं हो सकता, उसमें 2-3 रागों का मिश्रण हो सकता है, कोई चार रागों का मिश्रण भी हो सकता है, है ना। तो उसमें वो आपकी जो मेंटेलिटी है, जो आपने सीखा हुआ है, जो आपको भगवत कृपा मिली है, उसके माध्यम से आप कितना भी एक गाने को अपनी मनमर्जी से बजा सकते हैं और भी अच्छा कर सकते हैं। आप एक ही गाने को सारी ज़िंदगी पर बजा सकते हैं, उसी में आप कुछ ना कुछ नया निकाल सकते हैं, तो वो सिर्फ गुरु की कृपा और माता रानी का आशीर्वाद ही है।
तो अब जैसे मैं राग शिवरंजनी की बात करता हूँ तो इसमें सारे गा पा धा सा, जैसे आप यही टोन बजाई मैंने तो आपको पता लग गया कि इसमें सारे गा पा धा सा ही लगेगा और गा कोमल लगेगा क्योंकि ये राग शिवरंजनी है। तो अब आपने राग शिवरंजनी के स्वरों की प्रैक्टिस करनी है ऊपर से नीचे तक, जैसे ये सिंपल है, लेकिन आपने यहाँ से शुरू से पास से शुरू करना है। अब इसी में आपने तुरंत गाना ढूंढना है और ये याद रखना है कि कहाँ पर बजेगा। जैसे अब ये अगर ना मिले तो आपने बार बार देखना है। ऑब्जर्व करना है और ये सारी चीज़ें तुरंत तबाही के कान में जब आपने खूब सारी सरगमों की प्रैक्टिस की हो। जैसे ये सही आ गए, मतलब कि इसमें मैं इस वीडियो में तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि कोई भी गाना आप कैसे बजा सकते हैं चुटकियों में। जैसे कि आपको कोई भी गाना, जैसे आपने, जैसे मैं मेरा ही कोई, जैसे मैंने आपको लेसन दिया है जैसे आए हो मेरी ज़िंदगी में, अब वो राग यमन में है तो उसमें नीरेगा जरूर बजेगा, उसमें तीव्र मावस्था है, तो आपने ये ध्यान देना है। अब जैसे राग, कई राग भैरवी में भले मैंने ये राग दिया नहीं है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन जैसे राग भैरवी में कोई गाना बजा है, आपको कोई गाना बहुत पसंद आया और वो आपने इंटरनेट पे सर्च किया कौन से राग में है, राग भैरवी में है। अब राग भैरवी में चारों स्वर कोमल बजते हैं, तो अब आपको हर हाल में आपने इन चारों स्वरों को आपने कोमल में प्रैक्टिस करना है और तब आप देखोगे कि वो गाना हमेशा इन्हीं स्वरों पे बजेगा, उसमें कोई भी शुद्ध स्वर नहीं आएगा, माने कि इन रेगा धानी में कोई भी शुद्ध नहीं आएगा, उसमें ज़्यादातर कोमल ही आएगा। वो अलग बात है कि एक ही राग में हम 12 स्वर भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर आपको राग का पता है कि भाई इस राग में कौन कौन से स्वर लगते हैं और कैसा बजता है, तो उस राग से रिलेटेड जितने भी सॉन्ग हैं फिर आपने उनको ऑब्जर्व करना है कि भाई यहाँ पर रे की आवाज़ नहीं लग रही, जैसे आए हो, जैसे तो आपने ऑब्जर्व करना है जैसे आए हो। अब ये राग यमन में है तो पहले राग यमन की खूब सरगम है प्रैक्टिस की, तो ये आपने खूब प्रैक्टिस की, आपको तुरंत इसमें, तब उसके बाद जैसे आप सॉन्ग प्ले करते हैं आए हो, ये यहाँ से आपने शुरू किया आए हो, तो अब आपने देखना है आए हो आ ये, आए हो, तुरंत आपको पता लग रहा होगा कि भाई हाँ यहाँ पर है, तो तुरंत पता लग गया आए हो मेरी मेरी जिंदगी में, नहीं हाँ यस जिंदगी में, जिंदगी में, तुम बाहर। तो ये एक एक स्वर सुन करके आपको तुरंत पता लग जाएगा कि भाई इस गाने में इसकी इतनी तीव्रता है, ये जो पर्टिकुलर शब्द है, अब उसके आधार पर आपको तुरंत पता लग जाएगा कि इस शब्द के अंदर कौन सा स्वर छुपा हुआ है। अब आए हो सा सा ग,
तो तुरंत पता लग गया आपको। और ये सिर्फ तभी होगा जब आप जितने भी मैंने दिए हुए आपको सरगमे हैं उनका आप खूब रियाज करेंगे, खूब रियाज, उसके बाद उन पे मिठास लाने के लिए तब उसके ऊपर से आपने गमक का, मींड का, खटका, मुरकी, ये सब चीज़ें तब हैं। पहले जितना ज़्यादा हो सके आप, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो समय हो सके आप सिर्फ सरगमों का रियाज कीजिए और वही सबका बेड़ा पार करेंगे। उसके बाद मींड का अलग टॉपिक है, जैसे हमारा जो ऑनलाइन क्लास होता है उसमें तो हम मींड पर ही कम से कम हमारे 15 से 20 लेसन होते हैं मींड के अलग, इसमें तो हमने सब हर चीज़ के बारे में एक एक लेसन दिया है, लेकिन उसमें हम पूरा विधि विधान से बताते हैं। तो यही है कि आप मेहनत कीजिए, लगन से सीखिए और किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और अगर आप मुझसे व्हाट्सएप से पर्सनली क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।